यूपी में चुनावी सभा के दौरान अपने एक विवादित भाषण के कारण चर्चा में आए बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत मिल गई है। अब्बास अंसारी ने यूपी चुनाव की एक सभा के दौरान कहा था कि उनके जिले के किसी अफसर का 6 महीने ट्रांसफर ना किया जाए क्योंकि सबसे हिसाब किया जाना है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया वो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। अब्बास के इस बयान पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और लंबे वक्त से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि कोर्ट में इस मामले को ले जाने के बाद अब्बास को अब राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दायर होने तक रोक लगा दी है और पुलिस को इस संबंध में आदेश दिए हैं। देखिए, मऊ के नवनिर्वाचित विधायक जो अब्बास अंसारी हैं, उनके खिलाफ चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक FIR दर्ज की गई थी कि उन्होंने कोई ऐसा भाषण दिया है जिसमें अधिकारियों को धमकी दिया है कि उनका ट्रांसफर पहले नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। उस FIR को निरस्त करने के लिए उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की थी जिसमें हम लोगों ने तर्क ये लिया था कि साहब ये इसको चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए हमें 24 घंटे प्रचार पर रोक लगा दिया था जिसके हमने पालन कर दिया और उसी मामले में पुनः जो है आपराधिक केस दर्ज करना ये उचित नहीं है और न ही जो सेक्शंस में FIR दर्ज की गई वो हमारे ऊपर बनते हैं। माननीय डिवीज़न बेंच जो ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस VK श्रीवास्तव साहब की थी, उन्होंने मामले को सुना और चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों को काउंटर फाइल करने के लिए समय दिया है और अब्बास और उमर दोनों उसमें मुलजिम हैं। उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी पे 27 अप्रैल तक की रोक लगा दी गई है, अगली सुनवाई 27 अप्रैल। अब्बास अंसारी इस बार मऊ सदर सीट से विधायक बने हैं जहां से अब तक उनके पिता मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।